फ्रेंड्स आज हम बात करने वाला है फिनो पेमेंट्स बैंक की मिनी एटीएम के बारे में। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की मिनी एटीएम खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है, किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एस के बी ऑनलाइन वाला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हर जानकारी आप सबके लिए शेयर करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक ने खुद यहाँ पर पोस्ट किया अपने वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नई रेट में आपको 2329 रुपये में मिनी एटीएम मिल जाएगा, वो भी 100% रिफंडेबल। यानी कि फ्रेंड्स 2329 रुपये आपको लगेगा, प्लस में आपको जीएसटी लगेगा। तो 18% यहाँ पर जीएसटी लगता है, लगभग आपको 2700 रुपये का डिवाइस पड़ेगा। तो जो 2700 रुपये आपको पैसे लेंगे हैं तो उसमें जो जीएसटी का पैसे लग रहा है वो तो आपको वापस नहीं होगा, पर जो 2329 रुपये आपको पैसे हैं पूरे के पूरे पैसे आपको बैंक वापस कर देगी। तो किस तरह से वापस होगी, यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको हर महीने कम से कम 3 लाख रुपये का बिजनेस करना पड़ेगा, चाहे आप एपीएस से निकाले या फिर मिनी एटीएम से निकाले। यानी कि 3 लाख रुपये का आपको यहाँ पर बिजनेस एवरेज होना चाहिए। जिस महीने में आपको 3 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन होगा उसी महीने में जो है आपको मिनी एटीएम का पैसा रिफंडेबल होगा, और जिस महीने में 3 लाख का ट्रांजेक्शन आपको नहीं होता है तो उस महीने में आपको पैसे रिफंडेबल नहीं होंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे पैसे रिफंडेबल कितना होंगे तो मैं आपको बता दूं कि 100 रुपये करके आपको हर महीने में रिफंड करेगा। यानी कि इस महीने में आपको 3 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन होता है तो इस महीने में आपको 100 रुपये रिफंड हो जाएगा। अगले महीने में फिर अगर 3 लाख की ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर आपको 100 रुपये करके रिफंड हो जाएगा। इस तरह से 2329 रुपये जो भी आपके पैसे लगेंगे वो सारे के सारे पैसे आपको वापस हो जाएगा। अब बात आती है कि फ्रेंड्स मिनी एटीएम किस तरह से आपको बाय करना है। तो मिनी एटीएम बाय करने के लिए फ्रेंड्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। आप जहां का एड्रेस देंगे ऑल इंडिया में हम यहां पर प्रोवाइड कराते हैं, आपको आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक फिनो पेमेंट्स बैंक से आपने नहीं जुड़ा है, फिनो पेमेंट्स बैंक की सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर संपर्क कर लीजिएगा। मात्र यहाँ पर आपको 600 रुपये लगने वाले हैं, 600 रुपये में फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी आपको मिल जाएगा। बाद में आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, मतलब कि 600 रुपये में पूरी कंप्लीट करके आपको आईडी मिलती है। और फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर जो भी सर्विसेज होते हैं सारे के सारे सर्विसेज आपको 600 रुपये में मात्र प्रोवाइड करा देते हैं। एसबीआई आईडी लेने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो नॉर्मली सबके पास होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप सीएसपी सेंटर ले सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी थी इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।